नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूँ सिद्रा। आज हम बनाना सीखेंगे मजेदार मटर पनीर। इसको बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल हैं: मटर आधा किलो, एक अदद बड़ी प्याज, दो अदद टमाटर, चार अदद हरी मिर्ची, बारीक कटा हरा धनिया 6 खाने का चम्मच, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चम्मच, बारीक कटा अदरक 1 खाने का चम्मच, पनीर 150 ग्राम, क्रीम 4 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून, नमक हस्ब जरूरत, ऑयल 125 ग्राम, बटर 2 खाने के चम्मच। तरकीब: सबसे पहले एक पतीली में ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह गर्म कर लें। अब इसमें जीरा डालें और इसे 30 सेकंड तक फ्राई कर लें। फिर इसके साथ ही इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल करें और इसे पिंक होने तक फ्राई कर लें। और अब इसके साथ ही इसमें टमाटर, हरी मिर्ची, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया, नमक और लहसुन अदरक डालकर इसे अच्छी तरह फ्राई कर लें कि ऑयल ऊपर आ जाए। अब तैयार शुदा अमेजे को ठंडा कर लें और इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। अब मजीद एक पैन में बटर डाल के इसे अच्छी तरह गर्म कर लें। गर्म बटर में पनीर के छोटे छोटे टुकड़े शामिल कर इसे 1 मिनट तक फ्राई करें और फ्राई पनीर को पेपर या टिश्यू पेपर पर निकाल लें और इसे अच्छी तरह ठंडा कर लें। अब इसी बर्तन में मटर को डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें कि ये आधे गल जाएं। अब ग्राइंडेड अमेजे को मटर में शामिल कर दें और इसे 10 से 15 मिनट अच्छी तरह पका लें कि मटर गल जाएं। फिर इसमें पनीर, बीटेड क्रीम, हरा धनिया शामिल करके इसे 5 से 7 मिनट तक दम दे दें। मजेदार मटर पनीर तैयार है। इसे रोटी या नान के साथ सर्व करें और लुत्फ उठाएं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।